अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच की दुनिया में हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। हम सीधा प्रसारण नॉर्थ कश्मीर की जान जहलम स्टेडियम में इस समय उपस्थित हैं और आज एक बड़ा मुकाबला नॉर्थ प्रीमियर लीग 2021 का सेमीफाइनल मुकाबला इस समय हो रहा है। टॉस जीता सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान नवीद गनाई ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। यह है उनकी सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर आई है। आसिम बशीर जो एक लोकप्रिय खिलाड़ी हैं और मुदसिर डार जो बांडीपुरा की शान इसको मानी जाती है, एक विस्फोटक सलामी जोड़ी सुल्तान वॉरियर्स की मैदान के अंदर इस समय पहुंच रही है। और वही अगर आप शाही हमदान बारामूला की बात करें, वो इस समय मैदान के अंदर उन्होंने हडल बनाई हुई है, बातचीत कर रहे हैं आपस में जैसा पारंपरिक तौर पे होता है क्रिकेट में। इस समय सभी खिलाड़ी शाही हमदान के बातचीत कर रहे हैं, हडल बनाई हुई है उन्होंने और सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से खास तौर से पहले आप पावर प्ले जो हैं किस तरह से डाला जाए। और इतनी बढ़िया टीम है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, एक कमाल की टीम। और सबसे बढ़िया बात अगर आप 2021 की बात करें तो कुछ शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया ज़रूर है। तो पहले हित में आज उनके लिए एक चीज़ गई है, टॉस उन्होंने जीता है। और नवीद भाई से मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने यही कहा कि 160-170 का आंकड़ा हम ज़रूर छूना चाहेंगे। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया था टीम के अंदर किस तरह का माहौल है, आपने अच्छा प्रदर्शन किया है 2021 में, और उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी भी हमारे साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो इस सीज़न को। ऐसे में देखना यही पड़ेगा कि क्या आज वो इस मुकाबले में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, ये देखना पड़ेगा। आज के ऑफिशियल अंपायर भी इस समय मैदान में मौजूद हैं, मुनीर जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। बातचीत जो है शाही हमदान की टीम की वो अब समाप्त हुए हैं, खिलाड़ी अब अपने अपने निर्धारित जगह पे जा रहे हैं और हमारे साथ व्यूवर्स भी जुड़ते नज़र आ रहे हैं। प्रिंस शारिक हमारे साथ चंद्रगा से इस समय नज़र आ रहे हैं जुड़ते हुए। साजिद आमला शाही हमदान का हिस्सा है। उमर लोन को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है और उमर लोन तो बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं जब ये पारी का शुरुआत करते हैं नई गेंद से, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है गेंद को हिलाने की। और देखना पड़ेगा क्या इस सेमीफाइनल के अंदर अपनी गेंदबाजी से वो छाप छुड़ा पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इस समय उमर लोन के ऊपर है। उमर लोन को नई गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। बारिश उयुब भी इस मैच का हिस्सा है। साजिद आमला स्लिप क्वार्टर में नजर आ रहे हैं। दो मुदसिर डार जो बांडीपुरा की शान मानी जाती हैं वो नौ सेकंड एंड पे मौजूद है। आजिम बशीर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। आजिम बशीर पहली बार सामना कर रहे हैं उमर लोन का और ये एक कड़ा मुकाबला होगा। और जैसा मैंने आपके साथ बातचीत की है कि ये एक लोकप्रिय मैदान जहलम स्टेडियम बारामूला से हम आप तक ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से। अगर आप फील्ड की बात करें किस तरह से योजना उन्होंने बनाई है, पहली स्लिप में साजिद आमला नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट, कावर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी रखा गया है, जैसा आप नियमानुसार दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं और स्क्वायर लेग के बाहर एक खिलाड़ी रखा गया है। और ये लीजिए अंपायर ने कहा लेट्स प्ले, तो उमर लोन के हाथों में नई गेंद, सेमीफाइनल का आगाज। ये चले उमर लोन और द विकेट आसिम बशीर के लिए। पहली गेंद सही टप्पे पे, इस बार ज्यादा मालूम नहीं था आसिम बशीर को, पैड और बल्ले को क्लोज मिलाकर उन्होंने गेंद को संभालने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बल्ले पे नहीं लगी गेंद, अच्छे टप्पे पे उमर लोन की ये गेंद।
और सबसे बढ़िया बात, आगे की ओर ये गेंद कर रहे हैं, जब जब ये गेंद को आगे रखते हैं तो ये गेंद को हिलाने का मौका जरूर दे रहे हैं। साजिद आमला अपने गेंदबाज को लगातार मनोबल बढ़ा रहे हैं, तालियों की गूंज शायद आप सुनाई दे रही होगी। अगली बार फिर से अमरलोल, इस बार लेग स्टंप के आसपास एलबीडब्ल्यू की बढ़िया अपील हो रही थी, अमरलोल बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अंपायर ने कहा लेग स्टंप से काफ़ी बाहर यह गेंद लगी, उन्होंने नकारा अंपायर ने, लेकिन अमरलोन थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं। अगर डीआरएस का वहां उपयोग होता, रिव्यू सिस्टम का वहां उपयोग होता, जिस तरह के आव भाव नजर आ रहे हैं अमरलोन के चेहरे पे, मुझे लग रहा है कि वो फिर रिव्यू का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन खाता खोला यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का, लेग बाय के रूप में ये पहला रन मिलता हुआ, और अब मुदसिर डार अब आए हैं स्ट्राइक पे। जैसा मैंने आपके साथ बातचीत की है कि ये बांडीपुरा की शान इनको मानी जाती है, ये तेज खेलना पसंद करते हैं, पावर प्ले का ये बढ़िया फायदा उठाते हैं। अमरलोन पहले ओवर में इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, कीपर भी चूकते नजर आए, गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए बाई के रूप में ये चौका मिलता हुआ, कुल मिलाकर 5 रन आए इस गेंद से, दिशाहीन गेंदबाजी। अमरलोन की स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना नुकसान के, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। हमारे साथ व्यूवर्स भी नजर आ रहे हैं, जो जहान फैन ऑफ योर कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया, घंटमुला कॉलोनी से वो हमारे साथ उपस्थित हैं। परवेज मला भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, आसिफ खान के साथ प्रण शारिक भी इस समय उपस्थित हैं। इस बार अच्छी गेंद सही टप्पे पे, पिछली गेंद बहुत खराब थी, इसमें कोई दोहराई नहीं थी, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गई, कीपर भी वहां चूकते नजर आए थे, 5 रन उस गेंद से हुए थे वाइड और बाई के रूप में। हालांकि बल्ले से तो अब तक खास कमाल नहीं कर पाए, उस तरह के स्ट्रोक्स खेलने में ये कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप नियंत्रण से गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर T20 फॉर्मेट में उतना आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज को खेलना, यह आप बल्लेबाजी जानते होंगे। अमरलोन हाईवे एंड से ओवर द विकेट मुदसिर डार के लिए, इस बार अच्छी गेंद, मिडिल स्टंप पे गेंद जाके टकराई थी, सम्मान के साथ खेला, गेंद गई शॉर्ट कवर जहां उनके कप्तान उवैस शाह मौजूद थे, गेंद को सरलता के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। ये पहला ओवर इस समय चल रहा है पहली पारी का, कुल मिलाकर 6 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। बारिश उयूब गली क्षेत्र के अंदर इस समय नजर आ रहे हैं उनके कप्तान उवैस शाह, शॉर्ट कवर के स्थान पे इस समय मौजूद है साजिद आमला, स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद, गाइड करना चाह रहे थे, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद था और उन्हें गेंद को उठाया, इस बीच एक रन का इजाफा होता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम। आजम बशीर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, आजम बशीर एक लोकप्रिय चेहरा है वादी कश्मीर का, तकनीकी रूप से ये बहुत ज़्यादा सक्षम है, और किस इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो हमारे भी ऑफिशियल स्पॉन्सर है अमरलोन। अगली बार फिर से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, जड़ के अंदर फेंकी गई गेंद, इस बार सम्मान दिया आसिम बशीर ने, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर हुआ समाप्त, 7 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम। मोहम्मद आमिर एक प्रश्न हमें पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट इंडियन टीम स्पेशली विराट कोहली, भारतीय टीम एक कमाल की टीम है जैसा आप सभी जानते हैं, लेकिन हालिया दिन में अगर आप विश्व कप 2021 की बात करें, T20 की हम बातचीत कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन अब तक दो मैचों में उतना अच्छा नहीं रहा है जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है, लेकिन आज अफगानिस्तान के साथ उनका मुकाबला है 7:30 बजे, स्टार सपोर्ट्स के माध्यम से आप उस मैच का आनंद जरूर उठा सकते हैं, और ऐसे में मुझे लग रहा है कि आज उनकी ओर से वापसी करने का मौका जरूर मिल सकता है। और आपने बातचीत की है कि भारत के बारे में, हालांकि सभी निराश हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं निराश है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम के साथ, जो रेपुटेशन के साथ वो मैदान के अंदर उतरते हैं, अब तक उस तरह का प्रदर्शन
उनका नहीं रहा है, ये स्पष्ट तौर पे कहना पड़ेगा। परवेज मला टंगमग से इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। दूसरे छोर से जहूर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। कदकाठी के ये बहुत ही लंबे हैं मोहम्मद इरफान से, उनकी कदकाठी थोड़ी सी मिली जुलती है। ऐसे में देखना पड़ेगा क्या अतिरिक्त उछाल मिल सकती है इस बार। लेग स्टंप से बाहर पहली गेंद ही वाइट का इशारा। जब आप अतिरिक्त रन देते हैं तो आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव जरूर चला जाता है। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम। आकिब लेफ्टी भी इस मैच का हिस्सा है, शाही हमदान के साथ वो आज खेल रहे हैं। इस समय डीप स्केयर लेग सीमा रेखे पर वो इस समय फील्ड कर रहे हैं। जहूर अगली बार फिर से हाई वेंड से, इस बार अच्छी गेंद थी मुदसर डाल के लिए, हल्के हाथों से ऑन साइड की ओर खेलना चाह रहे थे, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 8 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। थर्ड मैन और डीप स्केयर लेग 30 गज दायरे के बाहर है, जो आप पारंपरिक तौर पे नियम अनुसार दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होते हैं। अगली बार फिर से ऑफ द विकेट जोर, इस बार अच्छी गेंद, अंतिम समय तक गेंद को देख रहे थे मुदसर डार, गाइड किया था गली क्षेत्र के अंदर, वहां बारिश उयूब मौजूद है। पूर्व अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 8 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। क्रिकेट की अगर आप बातचीत करें, खासतौर से बारामूला क्रिकेट फॉर्म सराहनीय काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। अगली बार लेग स्टंप से फिर से बाहर, नियंत्रण में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। जहूर लगातार लेग स्टंप के आसपास ही ये गेंदबाजी कर रहे हैं। अतिरिक्त रन ये जरूर देते हुए, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम। 9 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। दिशाहीन गेंदबाजी अब तक जहूर कर रहे हैं। अब तक अपना टप्पा उन्होंने नहीं पकड़ा है। इस बार अच्छी गेंद वाइट के बाद एक अच्छी वापसी उन्होंने जरूर की है। हाजी खालिद जो बांडीपोरा के रहने वाले हैं, आदिवासी हैं, वो इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं और क्रिकेट में उन्होंने अच्छा खासा नाम बनाया है अपने के लिए, शोहरत अच्छी खासी बनाई है। डार जवेद, ब्यूटीफुल बॉल बाय उमर लोन। जी हाँ, उमर लोन तो कमाल के गेंदबाज हैं। अब्बास वानी त्राल से हमारे साथ नजर आ रहे हैं और बट आदिल जो मुंबई सोपोर से मेरे मित्र हैं और मेडिकल में वो अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसे में वो भी इस समय लाइव कवरेज में उपस्थित हैं। जोर अतिरिक्त गेंदों के बाद जो उन्होंने वाइड गेंदें की हैं, उसके बाद एक अच्छा टप्पा उन्होंने ज़रूर पकड़ा है, उसकी सराहना होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे अन्यथा लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे और वो भी इस महामुकाबले का गवाह जरूर बनेंगे। जहूर अगली बार थोड़ी रनअप में इस समय दुविधा नजर आ रही थी, जैसा मैंने आपके साथ बातचीत की थी कि ये एक लंबे कद काठी के गेंदबाज हैं और ऐसे में अगर वो कंधे का और इस्तेमाल कर सकते हैं तो अतिरिक्त दबाव, अतिरिक्त उछाल उसको जरूर प्राप्त हो सकती है। साजिद आमला अभी भी स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। एक अच्छी चीज़, एक अच्छी सोचना उन्होंने ये की है कि स्लिप कॉर्नर में अभी भी खिलाड़ी रखा है। अगली बार फिर से लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 9 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। बारामूला क्रिकेट फॉर्म जो है, जो उनके मेंबर्स हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिहाज से और ये देख के अच्छा लगा। इस बार फिर से लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, निश्चित तौर पे ये वाइड का इशारा होना चाहिए। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। विकेट कीपर ने बहुत ही सराहनीय काम किया है।
और उनके कप्तान ओएस शाह अभी भी शॉर्ट कवर के अंदर नजर आ रहे हैं जो इस समय फील्ड कर रहे हैं। मुदस्सिर डार बांडीपोरा की शान इस समय, इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाह रहे थे लेकिन इस बार बल्ले पे सीधी प्रकार से ये गेंद नहीं लगी है। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम। अब तक तारीफ करनी चाहिए शाह हमदान बारामूला की, बिल्कुल उन्होंने अब तक बांध के रखा है दोनों बल्लेबाज को, आसिफ बशीर और मुदस्सिर डार। सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया था और देखना पड़ेगा। उमर लोन पारी का तीसरा ओवर लेकर और दो विकेट, इस बार लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट का इशारा होगा। जी हां, निश्चित तौर पे इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना नुकसान के, और आज सूचना मिली है शायद साजिद आमला गेंदबाजी भी करेंगे ऐसा बोला जाता है। जब मैं मैदान के अंदर आया था सूचना यही मिली है कि साजिद आमला आज गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उमर लोन ओवर द विकेट, फिर से इस बार अच्छी गेंद आसिफ बशीर के लिए, हल्के हाथों से खेला था और गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे गई थी, वहां गेंद को फील्ड किया जाए, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 11 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। काफी सराहनीय काम इस समय कर रहे हैं बारामूला क्रिकेट फोरम की सभी मेंबर्स, और ये देख के अच्छा लगा कि नॉर्थ कश्मीर में क्रिकेट का महासंग्राम हो रहा है। आज सेमीफाइनल, इस बार लेग स्टंप के आसपास पैडों पे गेंद लगी थी, शॉट स्केरले का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते आसानी के साथ दो रन अर्जित किए। ये दो रन इस बार लेग ब्रेक के रूप में मिलते हुए इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। और कहीं ना कहीं अगर आप सुल्तान वॉरियर्स की बात करें, शायद उन्होंने ये सोच के मैदान में आए हैं कि उमर लोन को थोड़ा सम्मान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विकेट निकालने की काबिलियत है उनके पास। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी स्ट्रोक के लिए, शॉट बहुत बढ़िया था, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। टाइमिंग तो ठीक ठाक थी, हुई थी, लेकिन प्लेसमेंट दौड़ने में असफल नहीं हुए। गली क्षेत्र के अंदर बारिश लोन मौजूद था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 13 रन बिना नुकसान के। उमर लोन पारी का तीसरा ओवर और दो विकेट लेकर, इस बार अच्छी गेंद, जड़ के अंदर डाली गई गेंद, सम्मान दिया इस बार आसिम बशीर ने। उमर लोन ने गेंद को जाकर गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। सुपर कप के फाइनल में भी उन्होंने सिटी जिम खाना के विरुद्ध एक अच्छी गेंदबाजी की थी उमर लोन ने, उनका मनोबल सातवें आसमान पे जरूर होगा। बारामूला एक्सप्रेस भी उनको कहा जाता है। इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथों से गेंद को खेला, शॉट मिड विकेट की ओर, 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का संभावना नहीं। अगर आप पावर प्ले में स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर ये देखा जाता है कि आप दबाव में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर खराब शॉट का चयन करते हैं, और इसलिए एक गेंद, एक बल्लेबाज के तौर पे स्ट्राइक रोटेट करनी बहुत ज़रूरी। उमर लोन अगली बार और दो विकेट, फिर से इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद को निकाला डीप पॉइंट की ओर से, जब तक थर्ड मैन का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते आसानी के साथ उन्होंने दो रन अर्जित किए। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना नुकसान के जीशान परवेज, जो अपरवर्ड 11 क्लब के प्रेसिडेंट हैं, ओनर भी हैं, वो इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं जुड़ते हुए। हम सर आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते नजर आए हैं और आपका अच्छा खासा योगदान रहा है मेरे जीवन में, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अगर आपने उस दिन मेरा सहयोग नहीं किया होगा, शायद ही मैं
कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का हिस्सा होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए जीवन में, इंशाल्लाह मैं हमेशा उसके लिए आभारी रहूँगा। डार जवेद लिख रहे हैं कि ग्रेट वर्क, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया जवेद भाई, आप जब सहयोग करते हैं हमारे लिए कोई भी कठिन काम हमेशा आसान होता है। एम डी नियाज भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, मंसूर अहमद इमकरथर के साथ साथ मंसूर अहमद भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। इमकरथर ने अच्छा खासा प्यार हमारे लिए जताया है, आसिम बशीर के लिए भी उन्होंने प्यार जताया है, और बासित भट्ट भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। और मेरा बड़ा भाई है, इस बार ओवर पिच गेंद, गेंद को उठाया, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की ओर से, लेकिन खिलाड़ी ने सराहनीय काम किया अमर लोन ने, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते दो रनों के साथ उन्होंने संतुष्ट किया है। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना नुकसान के, यह पारी का चौथा ओवर इस समय जहूर ओवर द विकेट डाल रहे हैं। हालांकि ज़रूरत है विकेट निकालने की, मुदसर डार इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो मैंने परसों फाइनल किया था बांडीपुरा पुछे में, वहां उनका बल्ला जरूर चला था और आज भी चलेंगे। लाजवाब स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में, लाजवाब स्ट्रोक ये मुदसर डार का, उनके पाले में गेंद मिली है और ये चूकते नहीं है, लाजवाब स्ट्रोक। और सबसे बढ़िया बात इस स्ट्रोक में थी, टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक था और अच्छा खासा फायदा मिला इस छक्के के साथ। स्कोर उछलता हुआ 23 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम, मुदसर डार के बल्ले से ये पहला छक्का, शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकलता हुआ, जहूर के सामने अच्छा खासा दबाव वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, काफ़ी ऊपर लगी, नीरोव के ऊपर ये गेंद लगी थी, हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन नियम अनुसार इसको आउट करार नहीं दिया जाता है। भाई के रूप में ये रन अर्जित होता हुआ, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम। ये जो दो खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं, ये दोनों किस बल्ले से खेल रहे हैं, जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, किस बल्ले का आप चयन जरूर कीजिए। वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, जगह थी इस बार पॉइंट के ऊपर से आसिम के बल्ले से यह स्ट्रोक निकलता हुआ, दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए, आसिम बशीर के बल्ले से ये निहायत ही खूबसूरत दिलकश स्ट्रोक निकलता हुआ, इस चार रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 32 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम। जहूर बहुत ही महंगे साबित होते हुए, अगर आप जगह देंगे इन खिलाड़ियों को तो इसी तरह का ये हशर करते हैं आज़म बशीर और मुदसर डार, जो बांडीपुरा की शान मानी जाती हैं। जहूर अगली बार और दो विकेट आज़म बशीर के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, जगह गली क्षेत्र के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए, आज़म बशीर के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, लाजवाब स्ट्रोक था इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 32 रन बिना नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स की टीम। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ ये जहूर का, क्योंकि जगह देते हैं, जब आप जगह देंगे तो इस तरह के स्ट्रोक से पारंपरिक तौर पे फिर हमेशा खेलते हैं, और ये मौके की ताल में रहते हैं आसिम बशीर, किस ब्रांड का वो उपयोग करते हैं जैसा आप अपनी स्क्रीन पे निश्चित तौर पे देख रहे होंगे। जहूर अगली बार फिर से, इस बार किनारा, आवाज आई थी, कोई गलती नहीं, अंत में जहूर ने एक बड़ी विकेट वहां अपने जाल में भसाई। आसिम बशीर जो बढ़िया लय में नजर आ रहे थे, निराश होकर वो अब वापस जा रहे हैं, बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और ये एक बड़ा दचका उनको लगता हुआ। 36 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। आसिम बशीर के आउट होने के बाद अब जुबैर कोहली आए हैं मैदान के अंदर। जुबैर कोहली एक युवा खिलाड़ी, पलहालन से वो ताल्लुक रखते हैं और ये भी किस ब्रांड का ही उपयोग करते हैं, और ऐसे में देखना पड़ेगा कि जुबैर कोहली किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। जो पुलिस टूर्नामेंट हुआ था, जो कल फाइनल हुआ था शेर कश्मीर स्टेडियम में,
मैन ऑफ द सीरीज उस मैच उस प्रतियोगिता में वो पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक और मेरे मित्र जो मेरे लोन मोमिन हैं मेरे जीवन के काफ़ी नज़दीक, वो भी अच्छे गेंदबाज के तौर पे उसको सम्मानित किया गया। 10,000 और अवार्ड के भी तौर पे उनको कल सम्मानित किया गया शेर कश्मीर स्टेडियम में। हमारी अच्छी जुगलबंदी है, मैं तो कॉमेंटेटर हूँ छोटे कद का और मेरे मित्र जो लोन मोमिन हैं वो क्रिकेट फील्ड में अच्छा खासा काम ज़रूर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे गौरव से हमारा सर भी वो ऊपर कर रहे हैं। स्लिप अब हटाई गई है जहां साजिद आमला तैनात थे। शॉर्ट फाइन लेग पे साजिद आमला को अब तैनात किया जा रहा है। मुदस्सिर डार इस समय अब स्ट्राइक पे हैं। 36 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद, और पिछले ओवर में जोहर ने एक बड़ा दचका उनको दिया है। आसिम बशीर जो आउट होकर वापस जा चुके हैं। उमर लोन अपने कोटे का तीसरा ओवर इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर। जब तक फाइन लेग का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते एक रन से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 2 रन आए हैं वाइड और बाई के रूप में। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। और अब जो खिलाड़ी हैं जुबैर कोहली अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, और पहली गेंद किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल होती है, वो भी उमर लोन की गेंद। 5वां ओवर इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्के हाथों से खेला, गेंद गई शॉर्ट कवर की ओर, वहां उनके कप्तान उवैस शाह मौजूद हैं। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। जुबैर कोहली का आत्मविश्वास 7वें आसमान पे होगा। जोनल पुलिस टूर्नामेंट जो हुआ था उनके फाइनल में वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का उसका पुरस्कार मिला गया है। इस बार भी बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्के हाथों से पॉइंट रीजन की ओर खेला, वहां पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड हुआ। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। हाशिम आमला साजिद आमला के चेहरे पे कुछ आव भाव अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़े से चिंतित वो नजर आ रहे हैं। उमर लोन अगली बार ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, मिड ऑन के अंदर इस बार गेंद गई थी और वहां डायरेक्ट हिट लगी विकेटों पे, उस कारण से आसानी के साथ दूसरा रन भी उन्होंने पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। और ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं गनी आटो व्हील, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है। उमर लोन पारी का 5वां ओवर जुबैर के लिए, इस बार कट करना चाह रहे थे लेकिन इस बार बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं। उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अब इस ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोपोर वो भी हमारे साथ सहायता कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर सम्मान दिया, गेंद उनके कप्तान के पास गई उवैस शाह, वहाँ फील्ड की गई। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 36 रन एक विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी आजम बशीर, जिन्होंने कुछ आतशी स्ट्रोक्स खेले थे, मैं आशा करूंगा कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर भी करते रहेंगे, आप हमारे लिए वो सम्मान जरूर करेंगे। उमर फिर से शॉर्ट गेंद इस बार थी, कट करना चाह रहे थे, उवैस शाह के पास गेंद गई थी जो शॉर्ट कवर के अंदर मौजूद थे। इस बीच एक रन का इजाफा, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन एक विकेट के नुकसान पर। रन तो अच्छे खासे हैं, मुझे लग रहा है कि रनों से खासे निराश नहीं होंगे यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम, लेकिन यहाँ ज़रूरत है। विकेट अगर आप खोते हैं तो फिर आप दबाव में चले जाते हैं, इसलिए विकेट हाथ में रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक लोकप्रिय मैदान है
और जैसा सभी कह रहे हैं कि ये एक कमाल का मैदान है और मुझे लग रहा है कि यहाँ रणजी के मैचेस आराम से हो सकते हैं इस जहलम स्टेडियम में, जिस तरह से ये बनाया गया है। नॉर्थ कश्मीर की जान इस मैदान को माना जाता है। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच आप तक ये लाइव प्रसारण ला रहा है और हमारे साथ एक और चैनल भी है जो वादी कश्मीर की एक बढ़िया चैनल है, सपोर्ट्स हब के माध्यम से भी आप इस लाइव प्रसारण का आनंद ज़रूर उठा सकते हैं। क्रिकेट के लिहाज से सपोर्ट्स हब भी बहुत ही सराहनीय काम करते हैं और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह भविष्य में भी हम इसी तरह से क्रिकेट को आगे पहुँचाने का काम ज़रूर करेंगे। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया है, बारिस अयूब को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। अब तक 37 रन बोर्ड के ऊपर लगे हैं, जहलम एंड से वो अब गेंदबाजी करेंगे बारिस अयूब। देखना पड़ेगा कि बारिस अयूब एक दिग्गज ऑलराउंडर हैं तो अब वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे ये देखना पड़ेगा। ये कड़ा मुकाबला होगा, युवा वर्सेस युवा की लड़ाई, एक तरफ जुबैर कोहली और दूसरी तरफ बारिस अयूब इस समय आमने सामने होंगे। बारिस अयूब के हाथों में गेंद है और जुबैर कोहली के पास बल्ला है, किस ब्रांड का वो इस समय उपयोग कर रहे हैं। साजिद आमला स्लिप कॉर्न में नजर आ रहे हैं जैसा आप अपनी स्क्रीन पे जरूर देख रहे होंगे। दो खिलाड़ी अभी भी 30 गज दायरे के बाहर उन्होंने जरूर रखे हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर आए और डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी वो भी कैचिंग पोजीशन पे उन्होंने रखा है। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है, इसके बाद फील्ड जो है वो खोल दिया जाएगा, यानी कि नियमानुसार फिर 5 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। गेंदबाजी में बदलाव, बारिस अयूब के हाथों में अब गेंद थमा दी गई है कप्तान नवीद गनाई के द्वारा। और ये चले बारिस ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई, विकेटकीपर के दस्तानों में छेड़छाड़ करने का प्रयास भी जरूर किया था जुबैर कोहली ने, लेकिन बल्ले पे इस बार ये गेंद नहीं लगी है, विकेटकीपर के दस्तानों में गई। जो सराहनीय काम वहाँ विकेटकीपर कर रहे हैं आदिल इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं, हम आदिल भाई आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और जीशान परवेज लोन मोमिल प्लेयर ऑफ अपरवट 11, जी हाँ वो अपरवट 11 के साथ भी खेल रहे हैं, लेकिन वो गुप सपोर्ट्स एसोसिएशन उनके टैलेंट को उड़ान दे रहे हैं, लेकिन आप भी सराहनीय काम कर रहे हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो मेरे मित्र हैं जैसा आप पारंपरिक तौर पे जानते हैं। और कल हमारे लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आई थी जब वो बेहतरीन गेंदबाज करार दिया गया वहाँ बख्शी स्टेडियम के अंदर, वो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया उपलब्धि थी। इस बार लेग स्टंप के आसपास मुदस्सिर डार के लिए कलाई के उपयोग से डीप स्केयर लेग पे वहाँ खिलाड़ी मौजूद, ठीक उनके सामने ये गेंद गिरी थी। एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, इन एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन, एक विकेट के नुकसान पर और आउट होने वाले खिलाड़ी आजम बशीर, जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी खासी जरूर दी थी लेकिन उसके बाद वो जोहर के द्वारा कैच आउट कराया गया। बारिस अयूब अपने कोटे का पहला ओवर इस समय और दो विकेट जहलम एंड से, इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को खेला, गेंद गली क्षेत्र के अंदर जरूर गई थी, वहां पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन रनिंग बहुत बढ़िया कमाल की उन्होंने की है, आंखों में इशारा किया था और इस रन के लिए दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, एक विकेट के नुकसान पर यह पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है। बारिस अयूब थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं, शायद उनका ये कहना है कि वहाँ रन होना नहीं चाहिए था जहाँ पे वो रन बटोर रहे हैं। जुनैद अगली बार फिर से, इस बार लेग स्टंप के आसपास वहाँ खिलाड़ी मौजूद है और इस बार कोई गलती नहीं की वहाँ डीप स्केयर लेग पे मुदस्सिर डार जो है वो अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। कलाम के उपयोग से उन्होंने शॉट खेला और बारिस अयूब को जिसके लिए उनके कप्तान ने बुलाया था उन्होंने स्पष्ट तौर पे वो काम किया है और उनके सभी खिलाड़ी इस विकेट लेने के बाद खुश नजर आ रहे हैं। एक अच्छा बदलाव किया गेंदबाजी में बारिस अयूब ने वो करके दिया और ये एक बहुत बड़ा दचका, मुदस्सिर डार निराश कदमों के साथ अब वापस जा रहे हैं।
अच्छी वापसी की है यहाँ शाही हमदान के गेंदबाजों ने। ओवैस शाह उनके कप्तान इस समय अपने सभी खिलाड़ियों के साथ, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हडल बनाई हुई है, बातचीत वो जरूर कर रहे हैं। और ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं गनी आटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स सबसे अच्छे वहाँ पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ उपयोग ज़रूर करें। उसके साथ साथ कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोपोर, मोबाइल की हर एक सुविधाएं, लैपटॉप आपको चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए तो हमाम सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का नाम लेकर आप वहाँ सुविधाएं उठा सकते हैं। नए खिलाड़ी अब फैसल आए हैं मैदान के अंदर, जुनेद डार के बाद अब फैसल की एंट्री मैदान के अंदर हुई है। बारिश गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं, जिन्होंने मुदस्सिर डार को चलता किया, इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, कीपर वहां चूकते नजर आए और गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए। मुनीब जो ऑफिशियल अंपायर है, लेग बाय के रूप में ये चौका मिलता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 45 रन, दो विकेट के नुकसान पर। थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं बारिश अयूब, क्योंकि जब आप दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं तो उसका जो खामियाजा है वो आपको हमेशा भुगतना पड़ता है। बशयतु जो हमारे ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के, हमेशा वो हिस्सा हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। गनी महराज, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम कमरवारी श्रीनगर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम शाहिद, इस समय नजर आ रहे हैं हमारे साथ। और बशीर खान, लव यू लवली वारपुरा सोपोर, लव यू टू। बशीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अल्फाज हमारे लिए लिखने के लिए। आदिल आदिल उमर भाई, महनवाज भाई कहाँ है, महनवाज घर में उनकी कुछ थोड़ी सी दुविधा है इसलिए वो हमारे साथ आजकल नहीं होते, लेकिन मैं आशा करूँगा कि वो कल से इंशाल्लाह हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। रफ़ी राठौर, रफ़ी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। शौकत मीर और वानी नवीद भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आदिल आदिल और जीशान परवेज जो अफरवट 11 क्लब के प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। और ओवैस शाह ने एक और बदलाव किया है गेंदबाजी में, अपने त्रुके की को लाए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। आकिब लेफ्टी, जिस तरह की फिरकी आकिब लेफ्टी डाल रहे हैं ना, तो अब तक बल्लेबाज उनकी फिरकी को समझ ही नहीं रहे हैं। कमाल की ये गेंदबाज है आकिब लेफ्टी, एक युवा वर्षीय खिलाड़ी इस समय जहलमैन, बिल्कुल कमेंट्री छोड़ एंड से, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच एंड से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। और उनके सामने है जुबैर कोहली, और यह भी युवा वर्सेस युवा की लड़ाई है, और देखना पड़ेगा क्या जुबैर कोहली उनकी जादूगर को वो बांप पाएंगे या नहीं। आकिब लेफ्टी इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप पॉइंट की ओर खेला, वहाँ बारिश अयूब मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन, दो विकेटों के नुकसान पर। फैसल अब सामना करेंगे आकिब लेफ्टी का, इस बार बैकफुट पर जाकर रनआउट होने की संभावना, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा किया और रन के लिए दौड़ पड़े। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन, दो विकेटों के नुकसान पर। जुबैर कोहली अब तक उसको अच्छा खासा बांप रहे हैं, अच्छी खासी वो टर्न को खेल रहे हैं, इस बार फिर से गाइड करना चाह रहे, वहाँ रनआउट होने की संभावना। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो जुबैर कोहली का काम यहाँ तमाम हुआ था, लेकिन ठीक समय पे उनको वापस भेजा गया, वरना दुर्घटना वहाँ घट सकती है। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 47 रन, दो विकेटों के नुकसान पर। ये पावर प्ले का पावर प्ले तो समाप्त हुआ है, ये पावर प्ले सातवां ओवर इस समय चल रहा है। आकिब लेफ्टी आपके सामने इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्लाइट गेंद, बल्ला आगे निकाला था, फ्रंट फुट की सहायता के साथ उन्होंने इस बार खेला,
लेकिन रन बनाने का संभावना नहीं है ये, उसके पास काबिलियत है आकिब लेफ्टी के पास, क्योंकि अपनी लाइन से वो चूकते नहीं है, ये सबसे बढ़िया बात है। इस बार बैकफुट पर जाकर गैप में धकेला, लॉन्ग ऑफ के पास इस बार गेंद गई थी, वहाँ फील्ड कर पाते, आसानी के साथ एक रन दौड़ कर पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन दो विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। उनके कप्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। इस बार फ्लाइटेड गेंद उठाया, इस बार फैसल ने गेंद गई लॉन्ग ऑफ की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, उनके ठीक सामने ये गेंद गिरी थी। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन दो विकेट के नुकसान पर उजैर किरमानी, शाही हमदान, टोटली न्यू प्लेयर्स वायरिज, निसार खान, टुक यासिर, शुंगू जावेद फिरोज और जाहिर अहमद नायक जो भद्रवाह से हमारे साथ नजर आ रहे हैं, गुल सबजार और इशू जो कनाडा से हमारे साथ नजर आ रहे हैं, खजर मोहम्मद, आई एम वॉचिंग लेट शॉट तुजर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रईस वानी, वॉचिंग फ्रॉम लखनऊ, खुर्शीद वानशी, ओवैश शाह किसके साथ है, ओवैश शाह शाही हमदान के कप्तान हैं, वो उन्हीं के साथ खेल रहे हैं। और गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया है, जी हाँ, मुनीर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन दो विकेट के नुकसान पर राजा मुनीर जो है वो अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और दो विकेट वो गेंदबाजी करेंगे। स्पिन आक्रमण अब लगाया गया है, इस बार फैसल के लिए गेंद थी बैकफुट पर जाकर गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की ओर, बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 49 रन दो विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 8वां ओवर, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और नो बॉल का भी इशारा अंपायर मुनीर के द्वारा, और ये लीजिए फ्री हिट। अब फैसल को यहाँ फ्री हिट का सामना करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या वो फायदा उठा पाएंगे या नहीं। राजा मुनीर और बैकफुट पर जाकर बढ़िया स्ट्रोक डीप मिडविकेट की ओर से, दो टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फैसल के बल्ले से एक खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ, हालांकि डीप मिडविकेट पे खिलाड़ी तैनात था, दर्शक होके वो वहां बन जाएंगे। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 53 रन दो विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है, राजा मुनीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और फिर से लेग स्टंप के आसपास बैकफुट पर जाकर गेंद को बढ़िया स्ट्रोक खेला, जब तक डीप मिडविकेट के खिलाड़ी फील्ड कर पाते, आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन दो विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी आसिम बशीर और मुदसर डार। राजा मुनीर कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के एंड से समय गेंदबाजी करे, इस बार बैकफुट पर जाकर गाइड किया था, वहां शॉर्ट थर्ड मैन के द्वारा कमाल की फील्डिंग हुई थी, निश्चित तौर पे उन्होंने 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन दो विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है, राजा मुनीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक खेला था, हालांकि इस बार गैप ढूंढने में ये असफल हुए थे। ओवैश शाह के पास गेंद गई जो उनके कप्तान शॉर्ट कवर के बिल्कुल नजदीक इस समय मौजूद है, रन बनाने का संभावना नहीं। इस बार फिर से अगर आप बैकफुट पे खेलते हैं ना, तो फिर आप उतने कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन दो विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 12 ओवर का खेल बचा है और देखना पड़ेगा क्या इस रन गति को वो और भी बढ़ा सकते हैं या नहीं। हिलाल अहमद पटन तिलगाम से हमारे साथ इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं, साजिद खान के साथ माजिद शेख भी उपस्थित है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल सोफी, होल स्क्रीन इट कवर्स बाय एडस,
supports of having good frame quality, sir, please remove these ads. जी हाँ, आशा यही करेंगे कि हम उसको हटाएंगे, लेकिन अभी हम लाइव प्रसारण में हैं, इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ये एडवर्टीज होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा आप समझ रहे होंगे इकबाल भाई। अगली बार फिर से आकिब लेफ्टी जुबैर के लिए बैकफुट पर जाकर शॉर्ट कवर की ओर से खेला गया स्ट्रोक था, और उन्होंने गेंद को पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन दो विकेट के नुकसान पर फैसला अब सामना करेंगे आकिब लेफ्टी का। आकिब लेफ्टी एक जादूगर है, उसकी फिरकी को पढ़ना उतना आसान नहीं, रनआउट होने की संभावना। गली क्षेत्र के अंदर इस बार उमर लोन मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड जरूर किया था, लेकिन अगर ठीक समय पे उन्होंने थ्रो किया होता तो करीबी मामला जरूर होता। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन दो विकेट के नुकसान पर। इस बार रिवर्स पैड पे गेंद लगते हुए, और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, जुबैर कोहली जो है वो अब निराश कदमों के साथ उनको वापस जाना होगा। हालांकि अंपायर के निर्णय से वो थोड़ा निराश है, लेकिन वापस जाना होगा। आकिब लेफ्टी की हम बातचीत कर रहे हैं कि ये एक जादूगर हैं, उनके स्पिन को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं रहता है, इतनी विविधता से वो गेंदबाजी करते हैं। और जुबैर कोहली LBW का शिकार बने, आकिब लेफ्टी ने उनका विकेट लिया है, ये तीसरी विकेट का वहां पतन होता हुआ। ये एक अब कड़ा मुकाबला यहां से होगा, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में आप फंस चुकी हैं सुल्तान वॉरियर्स की टीम। ये पारी का 9वां ओवर है, अब तक 57 रन तीन विकेटों के नुकसान पर, तो कोशिश करेंगे कि एक साझेदारी बनाने का। लेकिन आकिब लेफ्टी को जिसके लिए उन्होंने बुलाया था, उन्होंने वो बखूबी किया है, ये मानना पड़ेगा। ईशु इश्फाक, अस्सलाम वालेकुम, आई लव यूर कमेंट्री, वॉचिंग फ्रॉम शुपियन। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, जो आप मेरे लिए प्यार भेज रहे हैं, मैं उसके बहुत आभारी हूँ। और यकीन मान लीजिए, जब आप इतनी सराहना करते हैं तो मेरा आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ता है, और मैं आशा करूँगा कि आप भविष्य में भी मेरा इसी तरह से साथ ज़रूर देंगे। पचू जी बिला भाई, आई लव यू ऑल, आई एम फ्रॉम रामबन से, हमारे साथ इस समय व्यूवर्स नज़र आ रहे हैं, हम सभी व्यूवर्स का शुक्रिया करते हैं दिल की उम्मीद गहराइयों से, जिस तरह से वो हमें सहयोग करते हैं। अगर वो सहयोग नहीं करते, शायद ही हम वहां पहुंच रहे। यासीन सोफी, लव यू लवली उमर यासीन फ्रॉम पंजीपुरा, लव यू टू यासीन भाई, हमारे साथ बने रहें, और मैं आशा करूंगा कि आप इस लाइव प्रसारण को और भी शेयर करेंगे, ताकि अन्यथा और भी जो लोग हैं जो सपोर्ट्स को पसंद करते हैं वो भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन तीन विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स की टीम। आकिब लेफ्टी ने उसको आउट किया है, जुबैर कोहली को। अब और दो विकेट लेफ्ट हैंड के लिए, इस बार बढ़िया गेंद थी, खेला का प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 57 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। अदिल शाह अब बाएं हाथ के खिलाड़ी आ रहे हैं, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी, टूट पड़े अदिल शाह और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद पे आकिब लेफ्टी को एक शानदार चौका पड़ा अदिल के द्वारा, इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन तीन विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स की टीम। अदिल इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले गेंद पे एक शानदार चौका जड़ा था, टाइमिंग तो ठीक ठाक थी अदिल की, और इसी प्रकार से खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा कर बातचीत करते हैं कि आप कितने तेज़ गति के साथ रन बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के ऊपर भी नज़र दौड़ाएंगे, बाबर आजम
जो गैपस ढूंढने में सफल होते हैं, आप जानते हैं कि वो कितने सफल होते हैं। उबैदुल अहद, नाइस कमेंट्री, लव योर वर्ड्स। उबैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप हमें सहयोग कर रहे हैं। राजा मुनीर अगली बार फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का ये 10वां ओवर इस बार भाप नहीं पाए थे, उनकी टर्न को मिडल और ऑफ स्टंप पे ये गेंद जाके टकराई थी राजा मुनीर की। फैसल ने उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं खेला था। बैकफुट पर जाकर उमर लोन ने नहायत ही खूबसूरत फील्डिंग की, वहां पॉइंट क्षेत्र के अंदर इस समय वो नजर आ रहे हैं अपने भाई की ओर चीते की तरह। उन्होंने छलांग लगाकर इस गेंद को रोका, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पर इस बार ऊपरी बाग से इस बार ये गेंद लगी थी, टॉप एज लगा था शॉर्ट कवर पे, उनके कप्तान मौजूद ने बहुत देर तक गेंद हवा में रही थी। प्रयास अच्छा किया था, प्रयास की तो तारीफ हम जरूर करेंगे उनके कप्तान की। स्कोर अभी भी, इस बार स्लॉट में गेंद और गेंद को निकाला डीप मिडिल के ऊपर से, गेंद गई दर्शक दीर्घा में। फैसल के बल्ले से यह छक्का निकलता हुआ स्लॉग स्वीप के द्वारा उन्होंने ये छक्का लगाया। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 10वां ओवर इस समय राजा मुनीर डाल रहे हैं। उनके स्लॉट में इस बार गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बल्ले और पैड को आगे लाकर गेंद को स्टाइलिश अंदाज में खेला गया स्ट्रोक था। डी पॉइंट पे गेंद गई थी, वहां फील्ड की गई, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। राजा मुनीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी ओवर में फैसल ने उसको एक कमाल का छक्का जड़ा था। अगली बार फिर से प्रयास करेंगे। इस बार अदिल के लिए सम्मान के साथ, कैमरामैन के लिए तो बहुत बढ़िया ये चित्र था जैसे अदिल ने इस गेंद को खेला। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 10 ओवर का खेल बचा है और देखना पड़ेगा कि सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और कितने रन बटोर सकते हैं अपने टीम के लिए, ये देखना पड़ेगा। इस समय शाही हमदान के सभी खिलाड़ी आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके कुछ प्रमुख खिलाड़ी उमर लोन, साजिद अमला, उनके कप्तान उवैस शाह, वो इस समय राजा मुनीर आपस में हडल बनाई हुए हैं। उन खिलाड़ियों ने वो बातचीत कर रहे हैं और हम अपने व्यूअर से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। समी अभी, अस्सलाम वालेकुम लावली भाई, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम बट रियाज, आई एम फ्रॉम कुलगाम एंड आई लव क्रिकेट। रोतर इम्तियाज यूसुफ लिख रहे हैं, तासिन बिन तारिक, आसिम बशीर आउट हुआ है क्या? आसिम बशीर उन्होंने कुछ जारहाना स्ट्रोक्स खेले थे लेकिन उसके बाद जहूर ने उनकी विकेट ली है, वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। मोहम्मद जिलानी, उर्दू में कमेंट्री करने की कोशिश करें मोहम्मद जिलानी सर, इंशाल्लाह हम प्रयास तो कर रहे हैं, एक ही दिन में हम इस पूरी समीकरण में को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जैसे व्यूअर्स को अच्छा लगे वही हम प्रयास करने का हमेशा हमारी ओर से कोशिश रहता है। लेकिन मैं आशा करूँगा कि आप बने रहें हमारे साथ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स की टीम। और ये लीजिए सतपाल सिंह सिमंद हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, जुड़ रहे हैं मारुति सुजुकी में, वो एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए और इस मंच के लिए बहुत बढ़िया खबर है, बहुत खुशखबरी है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारे साथ इस समय उपस्थित है और कश्मीर सपोर्ट्स वॉच ये ग्रेट लिसनर है, हमेशा उनका सहयोग रहता है। इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक फैसल के द्वारा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद गई दर्शक दीर्घा में। फैसल के बल्ले से एक और नहायत ही छक्का निकलता हुआ, एक छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 74 रन,
तीन विकेटों के नुकसान पर बहुत खराब गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे इस बार तैयार थे फैसल, लाजवाब स्ट्रोक था। और क्या संपर्क लगा बैट और बॉल के बीच, जो ही बल्ले की आवाज़ आई थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये दर्शक दीर्घाहु में ये गेंद ही जाएगी। बारिश के सामने इस तरह का छक्का लगाना, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए किसी भी बल्लेबाज को। फैसल वो करके दे रहे हैं अपनी टीम को इस छक्के के साथ, 74 रन स्कोर पहुंचता हुआ। इस बार बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद लगती हुई, अपील हो रही है, अपील की ओर, वहां डायरेक्ट हिट भी एक छोर से वहां लगता हुआ। खिलाड़ी बिल्कुल सुरक्षित अपनी क्रीज में जाके पहुंच रहे थे। दो दुर्घटनाएं इस बॉल के बीच घटी थी, एक तो एलबीडब्ल्यू का वहाँ अपील हो रहा था, डायरेक्ट हिट भी लगी थी, फिर रनआउट होने की भी वहाँ अपील होने लगी खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन सुरक्षित मौजूद है दोनों खिलाड़ी। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 11वां ओवर, बारिश उयुब हाईवे एंड से और दो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं फैसल के लिए। इस बार गति परिवर्तन किया था, उंगलियां घुमाई थी सिम के ऊपर, लेकिन बल्लेबाज ने भाप लिया था पहले ही। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है, बारिश उयुब इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अदिल अब आए हैं, जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं वो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। अदिल ने एक शानदार चौका जरूर जड़ा था पिछले ओवर में, लेकिन देखना पड़ेगा क्या वो अपनी भागीदारी बना पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि हमेशा हम बातचीत करते हैं कि ये खेल साझेदारियों का है, और एक खिलाड़ी के तौर पे वो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी। बारिश उयुब अदिल के लिए इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, वाइड का इशारा होना चाहिए। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन 78 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 11वां ओवर, बारिश उयुब डाल रहे हैं। दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन जब मैदान के अंदर रहती है तो अमूमन थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहता है किसी भी गेंदबाज को। इस बार ऊपरी किनारा ज़रूर लगा था, गेंद गई डीप फाइल की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। और ये लीजिए, सोपोर के एक महान पर्सनैलिटी, एक लोकप्रिय चेहरा गुलाम कादिर काचरू साहब भी इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे लाइव प्रसारण में वो आ रहे हैं। हम सर आपके बहुत आभारी हैं कि जिस तरह का आप हमें सहयोग करते हैं वो देख के अच्छा लगता है। इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया था, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर, वहाँ आकिब लेफ्टी मौजूद हैं। एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन तीन विकेटों के नुकसान। उसी रन तीन विकेटों के नुकसान पर, क्षमा चाहूंगा मैंने 70 कहा था। अदिल अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है, बारिश उयुब गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था अदिल के बल्ले से, लेकिन लॉन्ग ऑन की ओर वहां मौजूद है। इस बीच दो रनों का इजाफा, डायरेक्ट हिट वहां जरूर लगी थी, लेकिन फैसल सुरक्षित अपने क्रीज में मौजूद हैं। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन तीन विकेटों के नुकसान पर। 11वां ओवर हुआ समाप्त, अभी भी 9 ओवर का खेल बचा है। लोन अमानत इस समय हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे छोटे भाई जो हैं मीर उवैस, वो हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे मेरा पूरा परिवार इस मैच को देखता है। जब भी कोई मैं लाइव करता हूँ, मेरी माता जी और मेरा पिताजी वो हमेशा लाइव प्रसारण को देख रहे होंगे। और जैसा आपके स्क्रीन के सामने हैं मीर उवैस, जो मेरे छोटे भाई हैं, मंसूर मलिक लाइव फ्रॉम गाज़ियाबाद आशपुरा, इट इज़ जवेद, वो भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। बट रियाज और अनुजान भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। रूफ अहमद डारू फ्रॉम जंगी रेड्स, वेरी इम्प्रेसिव। जी हाँ, बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया रूप भाई, आप एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, जंगी रेड्स के एक बहुमूल्य खिलाड़ी हैं आप, और ऐसे में जब आप अच्छा हमें सहयोग देते हैं ये देख के अच्छा लगता है। इस समय दोनों टीमें जो हैं ड्रंक की ट्रॉली मैदान में उतार दी जा रही हैं, थोड़ा समय उसके लिए ज़रूर रहता है, इसलिए दोनों टीमें जो हैं वो आपस में यहाँ नज़र आ रहे हैं। और बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर भाई इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं, और क्या लाजवाब कमाल का काम वो करते नज़र आ रहे हैं क्रिकेट के लिए। ज़ुबैर बैल तो जनरल सेक्रेटरी हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके अन्यथा लोग हैं वो बहुत बढ़िया काम ज़रूर कर रहे हैं क्रिकेट के लिहाज से, और कोशिश करेंगे आपको दिखाने का। ज़ुबैर भाई भी वहाँ नज़र आ रहे हैं जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सुल्तान वॉरियर्स और शाही हमदान के बीच ये कड़ा मुकाबला इस समय चल रहा है, दो टीमें इस समय नज़र आ रही हैं। जैसा मैंने कहा कि ड्रंक की ट्रॉली इस समय मैदान में उतार दी गई है, और ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। खान सब खान लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। तो हम आपका करना चाहते हैं जो आप दिन भर हमारे साथ हमेशा नज़र आते हैं। महराज वानी, आई एम फ्रॉम बांडीपुरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बांडीपुरा से हम हमेशा हमें प्यार मिलता है, और परसों में मैं वहाँ फाइनल भी कर रहा था। और ये मेरी कमेंट्री की सराहना कर रहे हैं, हालांकि जो उन्होंने लिखा है मैं उन शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक चैनल के साथ काम कर रहा हूं, हमारे आला अधिकारी होते हैं और मुझे टोका जाता है इस तरह की कमेंट्स को पढ़ना। लेकिन खेल इस समय रुका है जैसा आप इस समय जान रहे हैं, खिलाड़ियों को इस समय सूचित किया जा रहा है कि आप किस तरह का प्रदर्शन इसके बाद करेंगे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम अभी भी 9 ओवर का खेल बचा है। ड्रंक की ट्रॉली अब मैदान से बाहर जा रही है, खिलाड़ी अपने निर्धारित जगह पे आ रहे हैं जहां पे उनको होना चाहिए। फैसल और अदिल इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं, और ख़ास तौर से अगर हम फैसल की बात करें तो उन्होंने कुछ लाजवाब स्ट्रोक ज़रूर खेले हैं, 2 छक्के लगाने में अब तक ये सफल ज़रूर हुए हैं, और देखना पड़ेगा क्या वो अंत तक खेल पाएंगे। और ये लीजिए बारामूला एक्सप्रेस उमर लोन आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, और सोपोर कप में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था, और हालिया दौर में भी वो एक बढ़िया गेंदबाज के तौर पे उभर के आ रहे हैं, और आज के सेमीफाइनल में भी उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, विकेट तो उन्होंने नहीं ली लेकिन किफ़ायती गेंदबाजी की है जैसा वो पारंपरिक तौर पे ज़रूर कहते हैं। और अगर वो अपनी टीम को आज जिताने में कामयाब होंगे तो नॉर्थ प्रीमियर लीग 2021 का फाइनल में आप इंटर होते हैं तो वो आपके लिए बड़ी उपलब्धि है, तो आप हमारे साथ बने रहें, ये घमासान मुकाबला होने की है संभावना, क्योंकि साजिद आमला भी आज इस मैच का हिस्सा है। साजिद आमला अभी भी स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं, राजा मुनीर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, उनका एंड उनके कप्तान ने अब चेंज करवाया है, अब वो हाईवे एंड से गेंदबाजी करेंगे, उससे पहले उन्होंने एलिमेंट से कुछ ओवर ढाले थे, उनका एंड अब चेंज कराया गया है, देखना पड़ेगा कि एंड चेंज होकर किस तरह की ये गेंदबाजी करेंगे, ये देखना होगा। राजा मुनीर ओवर द विकेट हाईवे एंड से फैसल के लिए, इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, गाइड किया था, वहाँ शॉर्ट थर्ड मैन मौजूद हैं
और उन्हें गेंद को फील्ड किया, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इन एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर बारामूला क्रिकेट और फोरम के नेतृत्व में ये इस समय टूर्नामेंट हो रहा है। और इस मैदान से कुछ बड़े मैच आपको 2021 में आपने देखे भी हैं और भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। फील्ड में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जब दाएं बाएं की बल्लेबाजी मैदान के अंदर होती है तो थोड़ी सी फिर दुविधा हमेशा नज़र ज़रूर आती है। अदिल के लिए इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, अब तक 73 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये पारी का 12वां ओवर इस समय चल रहा है, अदिल इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ऊपरी किनारा, थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर है, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक था, गति का बढ़िया इस्तेमाल, जो ही देखा कि अच्छी खासी गति है, ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट किया और गेंद ऊपर से जाकर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बैकफुट पर जाकर आदिल ने सम्मान दिया, बॉलर उस बैक ड्राइव किया, राजा मुनीर ने जाकर गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 87 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। साजिद आमला इस समय शॉर्ट स्क्वायर लेग के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने आज अच्छी खासी फील्डिंग की, कुछ रन जरूर बचाए हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को उन्होंने खेलने का प्रयास किया था, अंदरूनी बाग अंदरूनी सरा लगा, जब तक थर्ड मैन का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते रन आउट होने की वहां संभावना थी, लेकिन बढ़िया रनिंग वहां बिटवीन द विकेट इन दो खिलाड़ियों से भी, फैसल और अदिल के बीच कमाल की। रणनीति यहां देखने को मिलती हुई और यह देख के अच्छा लगा। इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 रन और साजिद अमला देखिए कितने निराश आ रहे हैं अपने अन्य फील्डरों से। शबीर महदी, अस्सलाम वालेकुम, वॉचिंग फ्रॉम मिडकियर डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर करानगर। शबीर महदी जो कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के ग्रेट लिसनर हैं और उन्होंने शायद मेडिकल डायग्नोस्टिक भी यही लिखा है, इसलिए शायद उनका एडवर्टाइज भी यहाँ से हो जाए। और मुझे ये अच्छा लगता है शिविर में देख के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मेरी आवाज़ से किसी को फ़ायदा हो तो मैं अपने आप को ये खुशकिस्मती समझता हूँ। आपने तकरीबन बहुत बार कमेंट लिखा है, ऐसा एक दो बार ही अगर आप लिखते तो फिर भी मैं बोलता, क्योंकि जब मेरी नज़र कमेंटों पे कभी कभार पड़ती है तो मैं हमेशा बोलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण हैं वादी कश्मीर के। जब तक आप वहाँ नहीं होंगे तो उतना मज़ा फिर किसी को भी नहीं आता है। फिलहाल 12 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 90 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 3 विकेटें आउट हुई हैं, तो इन दो खिलाड़ियों ने कुछ हद तक इस पारी को जरूर संवारा है। अदिल और फैसल ने तो एक आतिशी पारी वो इस समय खेल रहे हैं, लेकिन अदिल ने अच्छा खासा साथ दिया है उनका। आकिब लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार बढ़िया गेंद आकिब लेफ्टी की अदिल के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर, हल्की सी टर्न उनको ज़रूर प्राप्त होती है, चाहे वो मैट पे खेलते हैं चाहे वो सतह पे खेल रहे हैं, इसलिए इस गेंदबाज को अब तक पढ़ने में कोई भी खिलाड़ी सफल नहीं होते। आप फिर से आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन के सामने बढ़िया तरीके से देख सकते हैं कि आकिब लेफ्टी के सामने थोड़ा सा वो इधर उधर नज़र आ रहे हैं, उस लय में वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं अदिल, जो इस समय स्ट्राइक पे हैं। आकिब लेफ्टी फिर से इस बार बढ़िया स्ट्रोक, शॉर्ट कवर के ऊपर से, जब तक खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते राजा मुनीर 2 रनों से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 13वां ओवर इस समय चल रहा है, आकिब गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार आगे निकलकर बढ़िया टर्न, और आप देखिए कितनी बढ़िया टर्न हुई है इस गेंद पे,
ऑफ स्टंप पे ये पिच हुई थी और काफ़ी अंदर आई ये गेंद, बैट्समैन ने तो ये सोचा भी नहीं होगा। और जैसा मैंने उसको नाम दिया है, जादूगर है ये, और इस स्पिन गेंदबाज को पढ़ना उतना आसान नहीं रहेगा। और ओएशा जो उनके कप्तान हैं, गली क्षेत्र के अंदर इस समय नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पे जो हंसी है वो काफ़ी कुछ बयान जरूर कर रहे हैं। साजिद आमला पहले स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। इस बार ओएशा के पास गेंद गई थी और उन्होंने गेंद को उठाया था, लेकिन वहाँ हल्की सी चूक, इस बीच एक रन का वहाँ इजाफा होता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 13वां ओवर इस समय चल रहा है। आकिब लेफ्टी हाईवे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, अब फैसल उसका सामना करेंगे। इस बार रिटार में गेंद को निकाला डीप मिडिल विकेट की ओर से, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, फैसल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का निकलता हुआ। अगर आप उनके पाले में गेंदबाजी करेंगे तो ये इसी तरह का हश्र करते हैं। इस छक्के के साथ 100 रन बोर्ड के ऊपर, ये 13 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन 3 विकेटों के नुकसान पर फैसल के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ। इस छक्के के साथ फैसल पूछे हैं 30 रन बनाकर उनकी पारी में, उन्होंने अब तक 3 छक्के जरूर लगाए हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अदील और फैसल इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा खासा उन्होंने योगदान दिया है बल्ले से। जीशान परवेज अफरवट 11 इज गोइंग टू फेस सुल्तान वॉरियर्स इन बिग बैश, जहां फिर तो आप तैयारी करें क्योंकि ये एक बड़ी टीम है, आप भी एक कमाल की टीम है, लेकिन वो एक कड़ा मुकाबला होगा। कहने का मतलब मेरा यही है, फिर आपको तैयारी अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है। इस बार राजा मुनीर के गेंद को निकाला था डीप पॉइंट पे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, ये पारी का 14वां ओवर इस समय चल रहा है। राजा मुनीर अपने कोटे का शायद अंतिम ओवर ये जरूर करेंगे, जो इस समय हाईवे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। राजा मुनीर ओवर द विकेट फैसल के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का संभावना अभी भी नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 101 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, ये पारी का 14वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार फ्लाइट गेंद थे, आगे आकर चहलकदमी के साथ गेंद को खेला शॉर्ट कवर की ओर, वहाँ उनके कप्तान मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना नहीं। ये पारी का 14वां, राजा मुनीर अब तक अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। स्पिन आक्रमण, इस बार शॉर्ट गेंद थी, गेंद की शॉर्ट मिडविकेट की ओर, वहाँ उमर लोन मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़ा स्ट्रोक आने वाला है, क्योंकि डॉट गेंदें पिछली 2-3 हुई है। इस बार कदमों का इस्तेमाल बॉलर्स के सर के ऊपर से तीर की तरह स्टेडियम से बाहर, दर्शक दीर्घा में, जैसा मैंने कहा था, क्योंकि डॉट गेंद खेली थी फैसल ने और इस गेंद पे उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, बेहतरीन मिश्रण, गेंद के पिच तक पहुंचे और सबसे बढ़िया बात, सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक था। छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, यह पारी का 14वां ओवर इस समय। राजा मुनीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। राजा मुनीर के विरुद्ध इस बार उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया था फैसल ने, और इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया शॉर्ट कवर की ओर, रन बनाने का संभावना नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम।
14 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आकिब लेफ्टी को एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। फारूक जिलानी वॉचिंग फ्रॉम होटल सोनमर्ग। जी हाँ, अगर आप सोनमर्ग जाते हैं तो आप फारूक जिलानी के पास ज़रूर जाएं, वहाँ हर तरह की सुविधाएं खाने की मौजूद हैं। और मुझे फारूक भाई ऐसा आशा करेंगे आपसे कि आप अच्छे खासे दाम में उनको ज़रूर अपना काम ज़रूर देंगे। इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बाहर पैड पे गेंद जाके टकराई थी, लेग ब्रेक के रूप में ये रन मिलता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये 15वां ओवर इस समय चल रहा है। जी एम शाह जो वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान हैं, जहां के मैं अनिवासी हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, एक लेजेंडरी खिलाड़ी हमारे गांव के, और इस बार फिर से स्लॉग स्वीप खेलना चाह रहे थे। ये पक्ष उनका बहुत मजबूत है जो उन्होंने छक्के लगाए हैं वहां कमाल के, और सबसे बढ़िया बात संपर्क अच्छा खासा ये करते हैं बल्ले से। स्कोर ठहरा हुआ 108 रन। आकिब लेफ्टी के सामने वो उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इस बार हल्की सी वहाँ चूक नज़र आ रही थी गली क्षेत्र के अंदर, वहाँ साजिद आमला स्लिप कॉर्डन से दौड़कर फील्ड कर रहे हैं। जब तक वो फील्ड कर पाते आसानी के साथ दो रन अर्जित किए गए हैं। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 109 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लुन अमानी बांग्लादेश से हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। इद्रीस भट्ट आकिब लेफ्टी के बारे में वो शायद आकिब लेफ्टी के समर्थन है। शहराब खान कमेंट्री बहुत अच्छी है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आकिब लेफ्टी के सामने ये लगातार पांव जमीन पे रखते हैं, जैसे यूनुस खान पाकिस्तानी स्ट्रोक खेल रहे थे। स्लॉग स्वीप उनका मनपसंद स्ट्रोक था, लेकिन इस तरह के स्ट्रोक तभी खेलते हैं बल्लेबाज जब आपके मन में संदेह रहता है ये गेंद का। इस बार कदमों का इस्तेमाल और क्लीन बॉल्ड, और ये लीजिए बड़ी विकेट जाल में। फैसल जो एक अच्छे खासे खिलाड़ी थे, बढ़िया लय में नजर आ रहे थे, आकिब लेफ्टी का वो शिकार बने। आकिब लेफ्टी ने इस बार बढ़िया गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद जाकर सीधे विकेटों पे जाके टकराई थी, और ये चौथवीं विकेट का वहां पतन होता हुआ 15वां ओवर हुआ समाप्त 109 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुल्तान वॉरियर्स की टीम अभी भी 5 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 30 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। साहिल बाबू अंसार जिमिच वनान सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, आप आनंद लिए होंगे इस मैच को लेके। जीशान अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब मुनावर, सरफराज खान जो जम्मू से हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं और इस लाइव प्रसारण का वो हिस्सा हैं, और मैं हमेशा यही मानता हूं अगर आप वहां नहीं होते, अगर लाइव प्रसारण में आप वहां नहीं होते तो शायद ही हम इतने सफल होते। और ये लीजिए जो ही उनको लगा कि एक बड़ी मछली उनके जाल में फंस चुकी है, आकिब लेफ्टी ने वो विकेट दिलाई है, तो अब वो सोच विचार कर रहे हैं आपस में, वो हडल बनाई हुए उन खिलाड़ियों ने, शाही हमदान बारामूला ने, तो यहाँ मौका है उनको वापसी करने का भी, और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की वापसी कर पाएंगे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 109 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आए हैं। जी हाँ, मुंतजिर पांड्या जो पलालन से ताल्लुक रखते हैं, मुंतजिर पांड्या एक ही किस्म बल्लेबाजी करना जानते हैं, और वो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और देखना पड़ेगा कि क्या ये सफल होंगे उस पारी को खेलने में, ये देखना होगा। ये जो लाइव प्रसारण है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स, खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो पूरे वादी कश्मीर में छाया हुआ है, न केवल वादी कश्मीर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस ब्रांड का इस्तेमाल कर
करने लगे हैं। उसके साथ साथ गनी आटू व्हील्स जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक वहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोपोर वो भी हमारे साथ भागीदारी दे रहे हैं। हम उन सभी का धन्यवाद, उन सभी के आभारी हैं कि जिस तरह के विश्वास वो हमारे ऊपर दर्शा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनको हमारा काम निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। शाहिद फैसल डार इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम बांडीपुरा, विश हिम ऑल द बेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, फैसल डार तो बढ़िया लय में नजर आ रहे थे। मुंतजिर भैया, मुंतजिर उमर लोन को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। अपने प्रमुख गेंदबाज को वो अब लेके आए हैं जो ओवर द विकेट अदिल के लिए गेंदबाजी करेंगे। इस बार गति परिवर्तन किया था उमर लोन ने, हल्के हाथों से अदिल ने शॉट स्क्वायर लेग की ओर खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद है। एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 रन, चार विकेटों के नुकसान पर मुंतजिर पांड्या। जी हाँ, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, युवा वर्षीय खिलाड़ी, लेकिन अमूमन ये बड़े स्ट्रोक्स खेलने के माहिर माने जाते हैं और देखना पड़ेगा क्या आज इस मैच में वो सफल होंगे। उमर लोन का वो सामना कर रहे हैं ओवर द विकेट। उमर लोन इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से ऑन साइड की ओर खेला, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110 रन, 109 रन, चार विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 16वां ओवर इस समय उमर लोन डाल रहे हैं। अपने कोटे का ये तीसरा ओवर, अब तक वो विकेट लेने में असफल रहे हैं लेकिन प्रयास करेंगे विकेट लेने का। उमर लोन ओवर द विकेट अदिल के लिए। इस बार गेंद हवा में, उनके कप्तान मौजूद है और उन्होंने कोई गलती नहीं की। उमर लोन को जिसके लिए बुलाया था उनके कप्तान ने, उमर लोन ने वो बखूबी किया अपने काम और वो देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं विकेट लेने के बाद। अदिल को उन्होंने चलता किया, गति परिवर्तन किया था। कमाल के गेंदबाज है, जैसा मैंने कहा है कि एक प्रमुख गेंदबाज है वो शाही हमदान बारामूला के। अपने अनुभव का वो पूरी तरह से फायदा उठाते हैं, ये आपने देखा होगा। ये पांचवें विकेट का पतन होता हुआ ये 16वां ओवर इस समय चल रहा है। 109 रन, पांच विकेटों के नुकसान पर शाही हमदान के खिलाड़ी अब आपस में जरूर बातचीत कर रहे हैं। शायद उनको ये एहसास हुआ है कि हमने अच्छी खासी वापसी की है, लेकिन अभी भी इस ओवर के बाद चार ओवर्स बचे हैं तो हो कुछ भी सकता है। राजा मुनीर जो एक बड़ा नाम, वो भी इस मैच का हिस्सा है। अंतराल के बाद वो बल्लेबाजी करने के लिए आपको ज़रूर नजर आएंगे। उमर लोन अपनी भूमिका इस समय अपनी टीम के लिए निभाते हुए, बाएं हाथ के अदील को खिलाड़ी जो थे उन्होंने उनको आउट किया है, तो जुनेद अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अदील के आउट होने के बाद। मुंतजिर पांड्या उमर लोन का सामना कर रहे हैं ओवर द विकेट मुंतजिर के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का संभावना नहीं। उमर लोन के सामने उस तरह के बड़े स्ट्रोक्स खेलना उतना आसान नहीं है क्योंकि ये अनुभवी खिलाड़ी हैं, अनुभव का ये अच्छा खासा इस्तेमाल भी करते हैं, तो ऐसे में उनके पांड्या के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर, कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं, बाइक के रूप में वहां रन मिलते हुए लेग बाइक के रूप में अंपायर का इशारा किए, बल ये पैड से गेंद लगते हुए और उमर लोन बहुत निराश नजर आ रहे हैं अपने विकेट कीपर से। और क्यों नहीं, वो जानते हैं जब लेग बाइक के रूप में इस तरह के रन मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो निराशाजनक होता है टीम के लिए। इन चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 रन, पांच विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 16वां ओवर जहलमेंट से उमर लोन कर रहे हैं जो अपने कोटे का भी तीसरा ओवर कर रहे हैं। मुंतजिर पांड्या इस समय स्ट्राइक पे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा स्ट्रोक खेलने का।
इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां रन आउट होने की वहां संभावना जरूर थी। शॉर्ट थर्ड मैन में पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद 113 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। आज के जो ऑफिशियल अंपायर हैं, मुनीर जो एक बड़ा नाम है बारामूला का, दूसरा अंपायर का नाम मुझे मालूम नहीं है। जी हाँ, मुदसिर जो आपके आप स्क्रीन के सामने जरूर आ रहे होंगे। आज इस सेमीफाइनल में अंपायरिंग की भूमिका ये दो ऑफिशियल अंपायर निभाते हुए, मुदसिर और मुनीर। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 113 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। अभी भी 4 ओवर शेष है, 4 ओवर बचे हैं। ऐसे में आप हमें ये लिखिए कि और कितने रन बना सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपना सुझाव हमें जरूर देंगे। बारिश उयूब को शायद वो लेके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आज सुबह उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अंतिम ओवर वो किस तरह से कर पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी गेंदबाज के लिए, क्योंकि आपको एक ही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी नहीं होती है अंतिम ओवर, क्योंकि गति परिवर्तन आपको हर एक चाल समझनी पड़ती है बल्लेबाजों की, तब जाके आप सफल होते हैं। बारिश उयूब पारी का 17वां ओवर लेकर जुनेद के लिए बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्के हाथों से खेला शॉर्ट थर्ड मैन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। 30 गज दायरे के अंदर एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। बारिश उयूब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक ऑलराउंडर के तौर पे वो इस समय अपनी टीम के साथ शाही हमदान के साथ खेल रहे हैं। प्रयास करेंगे कि अपना योगदान अपनी टीम को जरूर दिलाएं, क्योंकि गलतियां यहां करने की गुंजाइश नहीं है। इस बार मुंतजर पांड्या पहले ही हट कर खेलना चाह रहे थे शॉर्ट गेंद की, बारिश उयूब ने पहले ही बाप लिया था कि मुंतजर पांड्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने उनकी चाल को इस बार बापा था। बढ़िया गेंद, ये पारी का 17वां ओवर, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 114 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। बारिश उयूब अगली बार फिर से, इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला डीप स्क्वायर लेग की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। आकिब लेफ्टी गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन वहां रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। एक एक रन से कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा यहां शाही हमदान की ओर से, इसलिए वो खुश नजर आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद जुनैद के लिए, सम्मान के साथ खेला, रन बनाने का संभावना नहीं। यहां से आप बड़े स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत है, अगर उनको 150 या 160 का आंकड़ा छूना है, जैसे उनके कप्तान ने सुबह मेरे साथ बातचीत की है। इस बार गति परिवर्तन किया और खेलना जरूर चाह रहे थे, लेकिन गेंद की लाइन पे वो नहीं आ रहे हैं जुनैद। बढ़िया गेंदबाजी इस समय बारिश उयूब कर रहे हैं, और इसलिए कप्तान ने उसको अंत तक अब तक बचाया था। वो जानते थे कि बारिश उयूब में वो काबिलियत है बढ़िया गेंदबाजी करने की। अगली बार फिर से जुनैद के लिए, इस बार उस तरह का संपर्क नहीं लगा था, स्ट्रोक तो बढ़ा खेलना चाह रहे थे। लॉन्ग ऑन के पास गेंद गई थी, जहां राजा मुनीर मौजूद हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 116 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स की टीम। अब केवल 3 ओवर्स खेल बचे हैं। जहूर को वो लेके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आज सुबह उन्होंने नई गेंद से शुरुआत भी की थी। आजम बशीर को जहूर ने आउट किया था, जो इस समय गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। पारी का
ये 18वां ओवर लेकर इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोटेंड से, वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना पड़ेगा जोर किस तरह की गेंदबाजी करे हैं। कद काटी के काफी उच्च कद के ये खिलाड़ी हैं और कंधे का ये अच्छा खासा इस्तेमाल भी करते हैं, अतिरिक्त उछाल उसको हमेशा मिलती है। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर ही रख रहे हैं, एक लाइन ने उन्होंने यहाँ संभाल के रखा है, लेकिन पढ़ने के बाद और ज़्यादा बाहर, वाइट का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 117 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बारामूला की टीम उमर लोन इस समय जोहर के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो एक खुद भी एक आला दर्जे के गेंदबाज हैं और ऐसे में अपनी भागीदारी वो इस समय जोहर को भी दे रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद अच्छी रफ्तार के साथ, लेकिन नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑफ स्टंप से बाहरी गेंदबाजी करेंगे तो फिर ये अतिरिक्त रन जरूर मिल पाएंगे। इस अतिरिक्त रन के साथ लगातार दो गेंदे अब तक वाइड किए हैं जहूर ने। इन अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 118 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 18वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार बढ़िया गेंद, गति परिवर्तन किया था, गेंद हवा में थी, उनके कप्तान लॉन्ग ऑफ पे मौजूद उवैस शाह थे, उन्होंने गेंद को सरलता के साथ उठाया। इस बीच एक रन का इजाफा होता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119 रन 5 विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स की टीम। मुंतजिर पांड्या अब स्ट्राइक पे आए हैं। मुंतजिर पांड्या को इसलिए नवीद गराई के आगे भेजा गया क्योंकि उनके पास काबिलियत है बड़े स्ट्रोकर्स खेलने की। इस बार जड के साथ गेंद, करीबन 135 के आसपास ये गेंद थी और बढ़िया गेंद, अच्छा खेला भी वहाँ मुंतजिर पांड्या ने। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 120 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 18वां ओवर इस समय जोर डाल रहे हैं जहलीमेंट से, वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अब जुनेद स्ट्राइक पे आ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा स्ट्रोक खेलने का। इस बार ओवर पिच गेंद बॉलर्स के सर के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घ में, जुनेद के बल्ले से यह पहला छक्का निकलता हुआ। ओवर पिच गेंद जैसा मैंने कहा था, और जुनेद तो बख्शने वाले तो बिल्कुल नहीं है। बॉलर उसके सर के ऊपर से जब स्ट्रोक लगता है तो वो और भी ज्यादा खूब स्कोर उछलता हुआ 126 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जोहर अगली बार फिर से, इस बार गति परिवर्तन किया था और गेंद जाकर सीधे विकेटों पे, और ये छठवें विकेट का पतन यहां मिलता हुआ। और ये तो वापसी करने का आपको हमेशा मौका मिलता है और जोर ने अच्छी खासी वापसी की है। एक छक्का जुनैद ने जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी की अच्छी वापसी वहां, जोर की दूसरी विकेट, जुनैद भी उसका शिकार बने। पहला शिकार उनका आजम बशीर था जो उन्होंने चौथे ओवर में उनका पतन किया था। अब जुनैद को उन्होंने आउट करके वापस डगआउट की ओर भेजा है। कुछ रनों का फैसला अंत में जरूर रहता है, फासला रहता है, क्योंकि ये क्रिकेट में हमेशा 5-6 रन, कभी कभार एक ही रन से फैसला होता है हार जीत का। इसलिए एक एक रन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी टीम के लिए और ख़ास तौर से इन दो टीमों के लिए। लेकिन जोर की अच्छी वापसी, छक्का एक ज़रूर जड़ा था लेकिन बेहतरीन वापसी, गति परिवर्तन किया था। सुजले हुए गेंदबाजी लग रहे हैं क्योंकि जब आप अंतिम ओवर्स करते हैं तो आप एक ही दिशा में गेंदबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आज खिलाड़ी बहुत चतुर होते हैं, वो आपको पिक करते हैं तो फिर वो अपने काबिलियत अनुसार आपको स्ट्रोक खेल रहे हैं। अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद,
और ये लीजिए गेंद जाकर सीधे विकेटों पे, और दो गेंदों में दो तूफान की तरह आए और आंधी की तरह ये वापस गए बल्लेबाज। ज्यादा मालूम नहीं था आगे की ये गेंद थी, बल्ले पे नहीं लगी और डंडे पे लगकर ये सातवें विकेट का पतन होता हुआ। निराश होकर जहूर जो तूफान की तरह आया था, आंधी की तरह, वो वापस चला गया है। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ। ११९ रन सात विकेटों के नुकसान पर। शाही हमदान के जो खिलाड़ी हैं वो अब हडल बनाए हुए एक बार फिर उन्होंने आपस में वो बातचीत कर रहे हैं। एक अच्छी वापसी उन्होंने जरूर की है। ये पारी का 18वां ओवर इस समय चल रहा है। 124 रन सात विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। महिला जयवर्धना आज जावेद मंजूर के तौर पे आप उसको जानते हैं, लेकिन आज शायद उसको टीम में हिस्सा नहीं बनाया गया है क्योंकि वो शायद जानते हैं कि ये एक बड़ा मैच है और ऐसे में अपने प्रमुख खिलाड़ी को वो लेके आए हैं। लेकिन जोहर ने इस मैच को पूरी तरह से अब बदल के रखा है। इस ओवर में उन्होंने दो विकेट अर्जित किए हैं अपनी टीम के लिए। लाजवाब प्रदर्शन। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 124 रन सात विकेटों के नुकसान पर। इस बार बढ़िया गेंद थी। नवीद गनाई इस समय स्ट्राइक पे थे ऑन साइड की, और इस बार उन्होंने गेंद को खेला और ये लीजिए थ्रो बहुत बढ़िया था बारिश ओयूब का। अगर जहूर ठीक तरह से कलेक्ट कर पाते तो आठवीं विकेट का पतन भी होता और वो भी मुंतजर पांड्या का, लेकिन इस बार भाग्यशाली रहे मुंतजर पांड्या। इस बीच एक रन का इजाफा होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 18 ओवर की समाप्ति के बाद 125 रन सात विकेटों के नुकसान पर। उनके कप्तान नवीद गनाई अब स्ट्राइक पे आए हैं। साजिद डार, फैसल डार ने कितने रन बनाए हैं? फैसल डार ने 36 रनों का योगदान दिया, 3 छक्के और 2 चौके उनकी पारी में मौजूद थे। उन्होंने, फैसल डार ने तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। काफ़ी कमाल के खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले भविष्य में वो अपना नाम ज़रूर ऊँचे मुकाम पर लाएगा। ताहिर परे भी हमारे साथ इस समय बांडीपोरा के साथ नजर आ रहे हैं। बारिश उयूब 19वां ओवर लेकर ओवर द विकेट मुंतजर पांड्या के लिए। बढ़िया स्ट्रोक और गेंद गई दर्शक दीर्घ में। मुंतजर पांड्या का ये पहला छक्का, रिडाउंड में गेंद थी, बैकफुट पे इस बार तैयार थे मुंतजर पांड्या। इस तरह के स्ट्रोक्स नहीं चूकते हैं, लाजवाब स्ट्रोक। इस शॉट से उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा और खास तौर से बारिश उयूब के सामने जब आप इस तरह के छक्के लगाते हैं तो आपके मनोबल के लिए ये एक बढ़िया बात है। अगली बार बारिश फिर से, इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, बैकफुट पर जाकर गाइड किया था गेंद पॉइंट रीजन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब तो पूरी तरह से खुल के खेल रहे हैं मुंतजर पांड्या और इसी तरह से खेलने की जरूरत भी है क्योंकि ये उनका स्वाभाविक खेल है, पारंपरिक तौर पे से वो इसी तरह से खेलते हैं। तो लेकिन इस बार वो सफल जरूर हुए हैं। इस 4 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 135 रन सात विकेटों के नुकसान पर। अगली बार फिर से बारिश उयूब, इस बार गति परिवर्तन किया था, गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन से ही रोकना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 136 रन सात विकेटों के नुकसान पर। अब उनके कप्तान नवीद गनाई स्ट्राइक पे आ रहे हैं। नवीद गनाई, देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे।
शायद इस बार दिलशान सुकूप उन्होंने स्ट्रोक खेला था, चैन उसी स्ट्रोक का किया था, आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 137 रन। सात विकेटों के नुकसान पर मुंतजिर पांड्या अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जिन्होंने एक छक्का एक चौका इस ओवर में लगाया है। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, बारिश उयूब की झटके अंदर, यॉर्कर गेंद का इस बार चयन किया बारिश उयूब ने, और ये अच्छी गेंद है। चाहे मॉडर्न डे क्रिकेट कहां भी क्यों न पहुंचे, लेकिन यॉर्कर गेंद जो है वो उस गेंद को अच्छा माना जाता है, चाहे क्रिकेट किसी भी लेवल पे क्यों न पहुंचे। बारिश उयूब अगली बार फिर से, अब नवीद गनाही सामना कर रहे हैं, इस बार गति परिवर्तन फिर से किया था, उंगलियां सीम के ऊपर घुमाई थी, नवीद गनाही ने कदमों का इस्तेमाल किया था। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 19 ओवर की समाप्ति के बाद 137 रन, सात विकेटों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। सुल्तान वॉरियर्स के ये प्रमुख खिलाड़ी इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं, नवीद गनाही और मुंतजिर पांड्या जो पलहल के रहने वाले हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कम उम्र में उन्होंने अपना नाम जो शोहरत उन्होंने कमाई है, और मैं आशा करूंगा कि भविष्य में भी वो इसी तरह का खेल का प्रदर्शन करें, और मैं आशा करूंगा, दुआएं उनके लिए उनके मेरे साथ हैं कि वो उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचे जहां वो अपने आप को देख रहे हैं। अच्छा खासा खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, टैलेंट से भरा हुआ ये खिलाड़ी है, और मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जहां वो अपने आप को देख रहे हैं। पारी का अंतिम ओवर जोर लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने तीन विकेट हासिल की हैं। इस बार बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर निकाला, रन आउट होने की वहां संभावना जरूर है, और गेंद जाकर सीधे मुंतजिर पांड्या को ही लगी है, लेकिन नियमानुसार इसको देखा जाता है कि अगर उन्होंने डायरेक्शन अपनी बदलाई होती तब जाकर उसको आउट करार दिया जाता है, लेकिन मुंतजिर पांड्या बिल्कुल सीधी तरह से भाग रहे थे, ऐसे में वहां दो रन अर्जित जरूर किए गए हैं। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 139 रन, सात विकेटों के नुकसान पर जोर। ये वो गेंदबाज है जिन्होंने अब तक तीन विकेट हासिल किए हैं, पारी का अंतिम ओवर भी वही कर रहे हैं कमेंट्री छोड़ एंड से। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, बॉलर्स बैक ड्राइव खेला गया इस बार मुंतजिर पांड्या के द्वारा, रनआउट होने की वहां संभावना जरूर थी, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 141 रन, सात विकेटों के नुकसान पर क्षमा चाहूंगा 145 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मैंने आपको 143 शायद बताया था, लेकिन अभी भी चार गेंदे और बचे हैं, ऐसे में आप ये बताइए कि और कितने रन यहाँ जोड़ पाएंगे। 145 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, महराज जहलमेंट से और दो विकेट गेंदबाजी करेंगे पांड्या के लिए। इस बार क्लीन बॉल्ड, और ये लीजिए बैक फुट पर, अगर आप इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं तो फिर आप मचदार में फंसते हैं। ये चौथी विकेट का पतन है, और यूं तो ये कहा जाता है यू मिस आई हिट, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जड़ में इस बार उन्होंने ये गेंद जरूर की थी। मैं आपको चित्र दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 145 रन, आठ विकेटों के नुकसान पर मुंतजिर पांड्या ने एक अच्छी पारी जरूर खेली है, आउट होकर वो अब वापस जा रहे हैं। अब उनके कप्तान, उनके ओनर आसिफ कटारिया अब मैदान के अंदर आ रहे हैं, आठ विकेटों के नुकसान पर उनके कप्तान नवीद गनाही और उनके उपकप्तान और ओनर आसिफ कटारिया इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। मुंतजिर पांड्या के आउट होने के बाद, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने जरूर देख रहे होंगे, अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 145 रन, अभी भी तीन गेंदे खेल के इस पारी के बचे हैं, लेकिन जोहर ने क्या गेंदबाजी की है, चार विकेटें उन्होंने ली है, और देखना पड़ेगा क्या ये पांच विकेटें ले सकते हैं, जो किसी भी गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ा पल होता है। देखना पड़ेगा क्या
आसिफ कटारिया को भी आउट करके डगआउट का रास्ता दिखा सकते हैं। इस बार आसिफ कटारिया ने रोम बनाकर खेल दिया था, ऑन साइड की ओर गेंद गई डीप फाइन लेग की ओर, वहां एक रन बनाने का मौका था। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 146 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी दो गेंदें बची हैं इस पारी के और देखना पड़ेगा कि और कितने रन यहां बटोर सकते हैं ये दो खिलाड़ी। लेकिन गेंदबाज के तौर पे आप ये जरूर चाहेंगे कि मैं 5 विकेटें जरूर लूं और वो भी सेमीफाइनल में। नॉर्थ प्रीमियर लीग 2021 इस समय चल रहा है। इस बार बढ़िया गेंद थी नवीद के लिए, उठाकर खेलना चाह रहे थे लेकिन एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 147 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आज सुबह टॉस जीता नवीद गनाई ने, जो सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान हैं, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और कहा था 160-165 का हम लक्ष्य जरूर छूना चाहेंगे। 147 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ये इस इनिंग की आखिरी गेंद और दो विकेट जोर के लिए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक आसिफ कटारिया का और गेंद गई दर्शक दीर्घ में, छक्का, और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 153 रन 8 विकेटों के नुकसान पर और 154 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। जोर भैया जी, हाँ प्रयास हम कर रहे थे उनके साथ बातचीत करें लेकिन वो व्यस्त हैं। लेकिन फिलहाल अंतिम गेंद में एक शानदार छक्का जरूर जड़ा था तो 153 रन अब बोर्ड पे लग चुके हैं। 154 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे यहाँ शाही हमदान बारामूला को। अंतराल के बाद जब समय शुरू होगा तो आप बने रहेंगे हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आशा करेंगे। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, लवली उमर उसके लिए बहुत आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे साथ मेरे सहयोगी वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम अंग्रेजी कमेंटेटर, स्वागत है आपका कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे। थैंक यू वेरी मच जेयर, मे अल्लाह ब्लेस यू। क्या लग रहा है कि 154 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे और मुझे लग रहा है कड़ा मुकाबला होगा। Seems to be a decent total, but you know the things change very quickly in the game. So to me, it's a very good total. Let us hope for a good fight today. Support sab ke official commentator hai Noor Mohammed, main usko pyar se Noor sir kehta hu, lekin kafi badhiya awaaz hai aur log anand bhi karte hain aapki awaaz se. Lekin mujhe lag raha hai ki ye ek bada mukabla hai kyunki North Premier League 2021 ka semi final hai ye. Aise mein thodi jo mansikta ki dabav bhi hota hai ye. Yeah, that's what I would like to say. Show mental toughness, which is very important. We see that Indian cricket team, they have lost this mental toughness. Even Virat Kohli, one of the best players, is buckling under pressure and the results are quite obvious. So what I believe that when you go with positive mind setup and show your mental toughness and think that we have to play a national game. If you go with mental toughness, I'm cocksure that you will come out with flying colors. Noor Mohammed, जो वादी कश्मीर की एक आवाज बन चुकी हैं, वो अपने विचार आपके साथ साझा जरूर कर रहे थे। सपोर्ट्स हब जो उनकी ऑफिशियल चैनल है, आप उसका भी समर्थन करें। अंतराल के बाद हमें हमारे साथ आप जरूर जुड़े, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Oh, 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 oh.